तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम के दौरे पर गृह मंत्री अनिल विज, G20 की अध्यक्षता मिलना पूरे देश के लिए गर्व की बात की, कहा गया अनिल विज की ओर से। तो देखिए, गुरुग्राम में कई महत्वपूर्ण बैठक G20 की हो रही है, यहां बैठक की तैयारी और आयोजन सरकार ने बेहतरीन किया है। सरपंचों को लेकर भी अनिल विज ने बात की है, लाठीचार्ज चंडीगढ़ पुलिस ने किया है। विपक्ष ने बेवजह मुद्दे को तूल दिया है, तो विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा कि आरोप लगाए गए। गुरुग्राम के दौरे पर हैं गृह मंत्री अनिल विज, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि G20 अधिवेशन का आयोजन किया गया है, आज समिट का दूसरा दिन है और ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज भी पहुंचे हैं। इनकी ओर से G20 के साथ साथ कई अहम मुद्दों को लेकर भी बात की गई। G20 की अध्यक्षता हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान को मिलना हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है, और उसका आयोजन हरियाणा में होना ये बहुत हरियाणा के लिए गर्व की बात है और हर हरियाणवी इससे गर्वान्वित है। सर, मौजूदा हालात में सरपंचों पे मामले दर्ज हुए हैं, कैसे दिखता है? इस लाठीचार्ज भी हुआ, सभी नेता उस पर, जो कांग्रेस विपक्ष नेता उस पर पूरा बोल रहे हैं कि गलत हुआ है, जो भी हुआ है सरकार ने गलत किया है, कैसे दिखता है? देखिए, लाठीचार्ज जो किया है वो चंडीगढ़ पुलिस ने किया है। ये जो नेता है ना, ये तो बिना किसी बात को जांचे बिल से बाहर आ जाते हैं चैं चैं करने के लिए। जैसे मेंढक होता है ना, तो जरा सी बरसात पड़ी और टर 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 करता है, ये नेता वैसे करते हैं। तो चंडीगढ़ पुलिस ने किया है लाठीचार्ज, क्यों किया है हम पता करेंगे। मेरा राम रहीम की आज कैद बेल खत्म हो गई है, अब उनसे गलती हुई थी, उनको उस गलती का एहसास है, तो उनको है जेल डिपार्टमेंट का मामला है, मुझे इसकी जानकारी।